हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गुड इवनिंग और आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। और दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं वर्बल नाउन के कॉन्सेप्ट का। वर्बल नाउन क्या होता है, वर्बल नाउन का फंक्शन कैसे होता है, वर्बल नाउन की आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे उसको पहचानेंगे और कैसे उसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले क्लास लाइव हो चुकी है, जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट अपने फ्रेंड्स के बीच इस सेशन को शेयर कर लें, व्हाट्सएप के थ्रू कर लें, फेसबुक स्टोरी के माध्यम से कर लें, मतलब तो जैसे भी हो आप शेयर कर लें और सबको ज़रा बुलाइए। धीरे धीरे क्लास अच्छी लगने लगेगी, सारा कॉन्सेप्ट मिल के किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास है वर्बल नाउन। हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए नया हो, लेकिन नया और पुराना कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये देखना इम्पॉर्टेंट होता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्बल नाउन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। वर्बल नाउन होता क्या है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो वर्बल नाउन होता है ना, ये जो वर्बल नाउन होता है दोस्तों, वर्बल नाउन को आप लोग बोल सकते हो जीरंड। क्या बोल सकते हो? जीरंड बोल सकते हो। वर्बल नाउन को आप जीरंड बोल सकते हो। और यही जो जीरंड होता है इसको आप एक और नाम से जानते हो, इसको आप कह सकते हो जीरंडियल। आप इसको बोल सकते हो इन्फिनिटिव। क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो जीरंडियल इन्फिनिटिव। यानी वर्बल नाउन का जो कॉन्सेप्ट होता है और वर्बल नाउन जो होता है वो तीन तरीके से आइडेंटिफाई होगा। वर्बल नाउन को आप जीरंड भी बोल सकते हो, इसी वर्बल नाउन को आप जीरंडियल इन्फिनिटिव भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी का वो नाम है, जिरंड इज ऑल्सो नोन एज वर्बल नाउन एंड वर्बल नाउन इज ऑल्सो नोन एज जिरंडियल इन्फिनिटिव। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। और तीनों की जो हिंदी होती है, तीनों की जो हिंदी होती है दोस्तों वो एक ही होती है। इसको आप लोग हिंदी में बोलते हो क्रियावाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बोलना है इसको? इसको बोलना क्रियावाचक संज्ञा, ठीक है। अब ज़रा ये वर्ब भी है और नाउन भी है। मैंने एडजेक्टिवल नाउन का जब कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया होगा, एडजेक्टिवल नाउन जिस क्लास में मैंने डिस्कस किया होगा आप लोगों के साथ, मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई भी अगर ऐसी हेडिंग अगर आपको पढ़ते समय मिले जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो दो चैप्टर अगर कवर होते हों, इसका मतलब है कि वो दोनों का काम करती होगी। इसका मतलब है, आप यहाँ पे देख लो, अगर ये वर्बल नाउन है ना तो ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। इसका मतलब है इसने किसका काम किया, इसने वर्ब का भी काम किया और इसने नाउन का भी काम किया, ठीक है। तो जो वर्ब और नाउन दोनों का काम करे, जो वर्ब और नाउन दोनों का काम करे उसे ही हम कहते हैं वर्बल नाउन, ठीक है। और इन सब की हिंदी होती है दोस्तों, इन सब की हिंदी होती है, इन सब को हिंदी में कहते हैं सॉरी इन सब की हिंदी तो मैंने बता ही दिया, इन सब को बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक, इसका मतलब है कि ये वर्ब भी होगा और ये क्या होगा? नाउन भी होगा। वर्ब भी होगा, नाउन भी होगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कब ये वर्ब है कब नाउन है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर जरा समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे जरा आप लोग ध्यान से देखें। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसे काम करता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वर्ब, और वर्ब में क्या लगा देते हैं? आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। अगर आपको वर्बल नाउन यूज़ करना है तो वर्बल नाउन में क्या होता है कि वर्बल नाउन का मतलब होता है जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा, और वर्ब में आईएनजी लगा होगा और इसका जो साउंड होगा दोस्तों, इसका जो साउंड होता है ना वो साउंड तीन टाइप का होता है, ठीक है। ये साउंड ना में देगा, ये साउंड ने में देगा, और ये साउंड किस में देगा? नी में देगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले जितने लोग देर से जुड़े हैं, ठीक है, अभी अभी लाइव हुए हैं, जो हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार जुड़ रहे हों, उन सबको मेरी ओर से गुड इवनिंग। और एक चीज़ मैं आप सबको बताऊं कि दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्बल नाउन का है। और वर्बल नाउन क्या होता है, तो वर्बल नाउन जिसको आप लोग हिंदी में सॉरी इंग्लिश में इसको जिरंड भी बोल सकते हो, और इसी वर्बल नाउन को आप जिरंडियल इन्फिनिटिव भी बोल सकते हो। और वर्बल नाउन को हिंदी में बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा, ऐसा नाउन जो वर्ब का भी काम करे और ऐसा वर्ब जो नाउन का भी काम करे, यानी ये वर्ब भी होगा और नाउन भी होगा, ठीक है। जिरंड को भी क्या बोलते हैं? क्रियावाचक संज्ञा। और जिरंडियल इन्फिनिटिव को भी क्या बोलते हैं? क्रियावाचक संज्ञा। यानी इन तीन नामों को आप केवल क्रियावाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे, ठीक है।
और ये क्रियावाचक संज्ञा होती है जिसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, आप उसको कैसे पहचानोगे, तो आप उसको पहचानोगे कि कोई भी वर्ब होगी ना, उस वर्ब में क्या लगा होगा, उस वर्ब में आई एन जी लगा होगा, उस वर्ब में आई एन जी लगा होगा, और वो अपना साउंड आएगा ना, तो अपना साउंड किस में देगा, वो अपना साउंड ना नेनी में ही देगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ठीक है, एक छोटा सा मैं लाइन भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। जो वर्बल नाउन का कॉन्सेप्ट होता है, जो वर्बल नाउन का कॉन्सेप्ट होता है, वो वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। ठीक है, यह दोनों का काम करता है, दोनों का काम करेगा, ये वर्ब भी होगा और ये नाउन भी होगा। तो कैसे वर्ब होगा और कैसे नाउन होगा, यही आपको समझाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये वर्बल नाउन का कॉन्सेप्ट कैसे होगा, अब ज़रा हम आते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि वर्ब में आई एन जी लगा रहेगा और साउंड किस में आएगा, नानेनी में आएगा। ठीक है, अगर ये समझ गए होंगे तो ज़रा अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ सुधर जाएगा। ठीक है, बस रेगुलर पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, डाउट्स पूछिए, टेलीग्राम के चैनल पे आइए, उस पे अपने डाउट्स को पूछिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ज़रा एग्जांपल के थ्रू समझाऊँगा आपको। अगर दोस्तों यहाँ पे बोल दिया जाए कि यहाँ पे आ गया स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग, और उसके बाद क्या आ गया, ही इज स्मोकिंग सिगरेट, यहाँ पे आ गया ही इज स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरा यही एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग इज, उसके बाद आ गया इंजूरियस टू, और उसके बाद आ गया यहाँ पे हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ज़रा दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा वर्ड आपको दोनों सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ज़रा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा, उसके बाद एक ट्रिक बताऊँगा। अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए स्मोकिंग, स्मोकिंग एंड उसके बाद आ गया ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अब यहाँ पे आ गया आर बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ। अब ज़रा सारे लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये फंक्शन कैसे करेगा। ठीक है, इंग्लिश पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारे चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, सीखोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, वो कभी सॉर्ट आउट होने वाली नहीं। अब ज़रा देखो यहाँ पे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों के तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, ये तीनों आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ज़रा मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, उसको आप ध्यान में रखोगे। अगर मान लो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें ट्रिक से आती हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा गया है वर्ब प्लस आई एन जी, यहाँ वर्ब का आई एन जी है, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब का ये एल एच एस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आता है वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है, यहाँ इसका आर एच एस आ गया। अब ज़रा इसको बहुत इत्मीनान से, क्योंकि इसको बहुत कायदे से आप याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को कम समझ में आएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, अच्छा पढ़ा के भी स्टूडेंट्स को फेल कराया जा सकता है, अच्छा पढ़ा के भी स्टूडेंट्स को फेल कराया जा सकता है, और अक्सर यही होता है। आप छोटे छोटे बातों को अगर ध्यान नहीं दोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो पूछेगा बट आंसर आपका गलत हो जाएगा, और जो आप दोगे अपने हिसाब से सही दोगे, सही रहेगा, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है, एक फार्मूला पढ़ के दूसरे फार्मूले को ना छिपा लिया जाता है, उसको बताया नहीं जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा चीज़ आपको मिलेगा। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी ना दोस्तों, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में अगर वर्ब का आई एन जी फॉर्म आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में वर्ब का आई एन जी फॉर्म अगर आता है, तो ये समझना कि यह नाउन होगा, क्या होगा, यह नाउन होगा। और हेल्पिंग वर्ब के राइट में, हेल्पिंग वर्ब के राइट में यदि आता है वर्ब का आई एन जी फॉर्म, तो यह क्या होगा, यह वर्ब होगा। ठीक है, समझ में आएगा। अगर आपको इंग्लिश का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो इस ये दिखाई तो देगा ना कम से कम। अब ज़रा इसको याद रखो, मैंने बोला
कि हेल्पिंग वर्ब के राइट में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के राइट में आएगा दोस्तों, तो ये वर्ब का काम करेगा। अब ये बताओ हेल्पिंग वर्ब के राइट में आ गया कि नहीं, आ गया ना, तो स्मोकिंग यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के राइट में आ गया तो ये हो गया वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे आके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के क्या आ गया, लेफ्ट में आके क्या हो गया, नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। अब जरा देखो कि इस स्मोकिंग की स्पेलिंग में, ठीक है, और इस स्मोकिंग की स्पेलिंग में कोई अंतर है? अगर यहाँ पे स्मोकिंग है तो वही स्मोकिंग यहाँ पे है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस किस में है, तो पोजीशन में डिफरेंस है, पोजीशन में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के राइट में आया तो वर्ब हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में आया तो क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर हो गया? तो इसने वर्ब का भी काम किया, इसने नाउन का भी काम किया, ये वर्ब भी हो गया, ये नाउन भी हो गया। तो वर्ब और नाउन जो होता है, वर्ब और नाउन दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। अब चलिए, अब जरा दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगर यहाँ पे एंड लिखा गया है तो एंड के लेफ्ट में भी एक वर्ब और नाउन है और एक राइट में भी वर्ब और नाउन है। अगर यहाँ पे जिरंड की संख्या, यदि वर्ब और नाउन की संख्या दोस्तों यदि दो हो गई, तो इसका प्लूरल बनाने का केवल एक ही सिंगल मेथड होता है कि इसका नंबर एक से दो बढ़ा दो, इसका नंबर क्या करो, एक से दो कर दो। अगर एक से दो हो जाएगा तो ये फिर प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पे स्मोकिंग सिंगुलर था तो यहाँ पे इज लगाया गया था, लेकिन अगर यहाँ पे स्मोकिंग के साथ ड्रिंकिंग भी जोड़ा गया, इसका मतलब है कि अब ये किस फॉर्म में आ गया, अब ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। आई बात समझ में? तो वर्बल नाउन का प्लूरल तभी बनाया जा सकता है जब एक वर्बल नाउन नहीं बल्कि एक के साथ एक दूसरा वर्बल नाउन भी अगर जुड़े तो उसका हम प्लूरल बना सकते हैं। आई बात समझ में? उम्मीद है कि ये वर्ब का काम कैसे करेगा, ये नाउन का काम कैसे करेगा, ये दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। एकदम आसान है। हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में आएगा तो वर्ब नाउन का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब के राइट में आएगा तो वर्ब का काम करेगा। जो हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में आता है वही ना सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब के जो लेफ्ट में आ गया वो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के रूप में काम किसका करेगा, नाउन का करेगा, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया हो तो जरा अब आगे बढ़ा जाए, अगले कॉन्सेप्ट क्या है पे काम किया जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आसान तरीका है, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया तो जरा अब इसका अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस आप लोगों से बोला कि अच्छा पढ़ा के भी बच्चों को फेल कराया जा सकता है और अक्सर यही किया जाता है। उसी फॉर्मूले पे मैंने ये बता दिया ना ट्रिक, हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में आएगा तो नाउन होगा, हेल्पिंग वर्ब के राइट में आएगा तो वर्ब होगा। उसी फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ज़रा आप करने की कोशिश करिए, देखिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ठीक है। चलिए ज़रा क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करिए फटाफट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया माई ब्रदर इज स्मोकिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के राइट में आ गया, आपको बताना है यहाँ पे क्या है, स्मोकिंग। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए दोस्तों सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा आप बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग दोनों सेंटेंस में है और दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, दोनों को ही हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा गया है। ये और ये दोनों आपका क्या है, दोनों आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब ये मेन वर्ब है या कुछ और है, तो मैं आपको ऑप्शन दे दूँ ज़रा। आपका ऑप्शन नंबर ए वर्ब होगा, ऑप्शन नंबर बी ये आपका वर्बल नाउन होगा, ठीक है, वर्बल नाउन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी ये आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। अब ज़रा एडजेक्टिव और एडवर्ब दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं, दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन दो ऑप्शन होते हैं होता है जिसमें आप काम कर सकते हैं। आपको यही काम करना है। आपसे बोला गया कि हेल्पिंग वर्ब के राइट में आएगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के राइट में आएगा तो वर्बल नाउन होगा, होगा ना। अब ज़रा देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब के राइट में आ गया तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि यहाँ वाला स्मोकिंग क्या होगा, यहाँ वाला स्मोकिंग क्या होगा, ठीक है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर का, कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है। जो मैंने कहा कि अच्छा पढ़ा के भी फेल कराया जा सकता है,
क्या ये मैंने सही बोला या गलत बोला, थोड़ा प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। चलिए आंसर बताइए जल्दी। चलिए अब जरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ वाला जो स्मोकिंग है वो वर्ब है, क्या है वो वर्ब है, और यहाँ वाला जो स्मोकिंग है वो आपका नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन होगा तो आपको भी पता है कि ये वर्ब नाउन होगा, यहाँ पे ये वर्ब होगा और यहाँ पे ये नाउन होगा। आ गया ना कन्फ्यूज़न। अब आपने बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो आपने कहा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तो ये वर्ब होगा, तो मैंने बिल्कुल सही बताया, लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी आगे भी होती हैं जिसको बताया नहीं जाता, छोड़ दिया जाता है। लेकिन देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, पहला वाला है तो पहले वाले के लिए आंसर आपका वर्ब होगा, पहले वाला पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका आंसर क्या होगा, वर्ब होगा, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए आपका आंसर क्या होगा, वर्ब नाउन होगा, ये और ये नहीं होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया फिर भी ये वर्ब नहीं हुआ नाउन हो गया, और ये यहाँ पे आता है तो ये वर्ब हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, तो उसका फॉर्मूला है ज़रा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से ज़रा देखिए, आप लोग नोट करते जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, हर क्लास में मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हर एक चीज़ों को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया एम वाई माई, यहाँ पे आ गया आवर, यहाँ पे आ गया योर, यहाँ पे आ गया हिज, यहाँ पे हर है, यहाँ पे इट्स है, यहाँ पे देयर है, और अगर यहाँ पे कोई नाउन आया ना तो उस नाउन पे क्या लगा रहेगा, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन कहूँ, अगर आपको इंग्लिश एकदम नहीं समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी अगर आपकी एज हो गई है, आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो आपको सही कैसे करना होगा वो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से। अगर मान लो कि ये सेंटेंस का पहला शब्द है, ये सेंटेंस का कौन सा शब्द है, पहला शब्द है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, नाउन नहीं आएगा तो पूरे ग्रामर में इनका यूज़ नहीं होगा, तो इसको दूसरा शब्द मान लो, और यहाँ पे आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, क्या आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ पे आ गया वर्ब प्लस आईएनजी, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर इन्हीं में से अगर किसी एक से हो रही है, अगर सेंटेंस इसी में से किसी पहले शब्द से शुरू हो रहा है, तो आप समझ लेना कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई आएगा तो वो वर्ब होगा, क्या होगा वर्ब होगा, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई आएगा तो नाउन होगा, ठीक है। अब कैसे ये कैसे पॉसिबल है तो वो मैं बताता हूँ, अगर ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द अगर दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं तो ये वाला वर्ब होगा, और यहाँ पे आने वाला पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, ठीक है, दोनों एक ही पर्सन हो तो यह किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। अब ध्यान से मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर इनमें से किसी एक से हो रही है और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई नाउन आ गया है, अगर ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द अगर दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, तो याद रखिएगा ये वर्ब का आईएनजी हमेशा वर्ब का काम करेगा, और अगर पहला और दूसरा, अगर इनमें से पहला और ये दूसरा अगर दोनों एक ही पर्सन हो गए तो काम किसका करेगा, नाउन का काम करेगा, ठीक है। कैसे, जरा मैं फिर से वही एग्जांपल आपको वापस लेके आता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे आ गया माई ब्रदर, क्या आ गया, माई ब्रदर इज स्मोकिंग,
अब जरा ध्यान दे, दोनों क्वेश्चन यही था ना। अगर यहाँ पे माई आ गया तो यहाँ पर भी माई आ गया, पहला शब्द हो गया ना, माई ब्रदर लिखा गया है, माई ब्रदर। ये बताओ मैं और मेरा भाई दोनों अलग अलग इंसान है, एक ही है, तो दोनों अलग अलग होंगे ना। अगर दोनों अलग अलग है, दोनों अगर अलग अलग है तो ये क्या होगा, वर्ग का काम करेगा ना। इसीलिए ये जो पहला वाला था, ये पहला वाला था, उसने किसका काम किया, वर्ग का। बट यहाँ पे आ गया माई हॉबी, माई हॉबी मेरी आदत, तो आदत किसकी है, खुद मेरी है ना। अगर पहला और दूसरा एक ही होते हैं तो यहाँ पर ये काम किसका करेगा, ये काम करेगा नाउन का। ठीक है, आ गया, एकदम आसान था। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो हेल्पिंग वर्ग के बाहर अगर कोई वर्ग का एनजी आएगा तो आप और कोई भी उसको वर्ग ही समझ बैठेगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जरा एक लास्ट क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी पे कॉन्सेप्ट है, जरा उसको समझ लेते हैं ताकि वर्बल नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, अगर जितने लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे संख्या बढ़ी रही है, जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करते रहिए, आज नहीं तो कल वो भी जगेंगे, वो भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अगर यहाँ पे आ गया वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें से संख्या जो है ये संख्या टोटल 8 है, इसके बाद ना वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है और ये आ सकता है। अगर इन 8 लोगों के बाद जब भी वर्ग का आईएनजी फॉर्म आए तो ये आपको समझ लेना होगा कि ये क्या होगा, ये आपका वर्बल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, वर्बल नाउन ही होगा, याद रखिएगा, वर्बल नाउन होगा नहीं, वर्बल नाउन ही होगा, एकदम गारंटी। क्योंकि इनका ये पोजेसिव एडजेक्टिव माने जाते हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव केवल नाउन को ही क्वालिफाई कर सकता है, तो हमेशा ये क्या होगा, ये हमेशा आपका वर्बल नाउन होगा। ठीक है, अब ज़रा इसी के कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले लिया, माई राइटिंग, उसके बाद आ गया प्लीज एवरीवन, माई हैंडराइटिंग प्लीज एवरीवन, मेरी लेखनी ने सबको खुश कर दिया। ठीक है, और ये बताओ यहाँ पे माई आ गया ना, इसके बाद राइटिंग आ गया तो ये वर्ब नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को, अगर ये बताओ प्लीज वर्ब है ना, अगर ये वर्ब है, वर्ब के पहले आ गया तो ये दोनों के दोनों मिल के क्या हो गए, दोनों के दोनों मिल के आपके सब्जेक्ट हो गए। अगर इसी क्वेश्चन को अगर लिख दिया जाए, आई लाइक और उसके बाद आ गया योर राइटिंग, आई लाइक योर राइटिंग, मैं तुम्हारी लेखनी को पसंद करता हूँ, तो ये बताओ आई सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका, ये आपका वर्ब है, और किसको पसंद करता हूँ, तो योर राइटिंग, तुम्हारी लेखनी को। ठीक है, तो योर यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे माई आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, योर, और इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया ना, तो ये नाउन है और काम किसका करेगा, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो वर्ब के बाद जब भी आएगा तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और वर्ग के पहले आएगा, वर्ग के पहले आएगा तो हमेशा ये क्या कहलाएगा, सॉरी, वर्ग के पहले आएगा तो ये नाउन कहलाएगा, और वर्ग के बाद अगर आएगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ग के पहले आएगा तो ये सब्जेक्ट होगा, वर्ग के बाद आएगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वर्बल नाउन का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया, समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग आए इतने देर तक हमको सुनते रहे, ठीक है, एक और एडवाइस करूंगा मैं आप लोगों से, सारे लोग नोट्स ज़रूर बनाए, बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे इमेज भेजते हैं फ़ोटो खींच के कि सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, अच्छा लगता है। जितने भी लोग व्हाट्सएप पे, इसका मेरा नंबर भी है इसमें थंबनेल में, जिसको अगर प्रॉब्लम आती है वो व्हाट्सएप कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में इन्फिनिटिव नाउन के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक इस वाले कॉन्सेप्ट को, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा,
कि वो पिछली वीडियो देखते रहे, पिछला वीडियो देखेंगे तभी आगे का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, फिर गुड नाइट।